मैजिकल जॉइंट गोल्डन वाटर फिश हाउस। एक दिन समंदर के बीच एक टापू पर शराब की वजह से एक बहुत ही खतरनाक सोने का दानव गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे उस शराब का समय पूरा हो जाता है और वो शराब टूट जाता है और वो दानव दोबारा से नींद से जाग जाता है और अपने खाने के लिए शिकार ढूंढने का एक प्लान सोचने लगता है। इतने समय से मैं गहरी नींद में था, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्द से जल्द मुझे अपना शिकार पकड़कर अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। अगर जल्द ही कोई शिकार नहीं मिला तो फिर से उस शराब का असर होने लगेगा मुझ पर। वो दानव एक प्लान बनाता है और समंदर में कूद जाता है। वैसे वो दानव समंदर के अंदर पहुंच जाता है और वहां अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ी गुफा बनाता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देता है। वहीं उस गुफा के अंदर बहुत सारे पिंजरे भी थे। अब मैं खुद जाऊंगा उन इंसानों को पकड़ने, उन्हें लालच देकर यहाँ तक ले आऊंगा, फिर उन्हें आराम से खाऊंगा। उस समंदर के पास में ही सुंदर नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा और बेटे पिंटू के साथ रहता था। ऐसे एक दिन मोहन अपनी पत्नी से, मैं कुछ सामान लेने के लिए गांव के पास वाले जंगल के रास्ते से शहर जा रहा हूँ, मैं रात तक घर लौट आऊंगा। पिताजी, मुझे भी आपके साथ आना है। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ अपनी माँ के पास रुको, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मोहन गांव से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे वो चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आता है और उसे बहुत प्यास लगने लग जाती है। मैंने इस जंगल के रास्ते से आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब यहाँ तो मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। चलो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। मोहन ऐसे थोड़ा ही आगे जाता है तो उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वैसे मोहन उस कुएं की तरफ जाने लगता है। जब मोहन उस कुएं के पास पहुंचता है तो वहीं उस कुएं के अंदर से रोशनी निकलती है और वो सोने का दानव उसके अंदर से निकलता है। मोहन उस दानव को देखकर बहुत डर जाता है। वहीं वो दानव अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और मोहन को उस कुएं के अंदर ले जाता है। वो दानव मोहन को कुएं के रास्ते से समंदर में बनाई अपनी गुफा में ले जाता है और उसे वहां कैद कर देता है। वहां उस गुफा के पिंजरों में और भी बहुत सारे लोग कैद होते हैं। बहुत से इंसानों को मैंने पकड़ लिया, बस अब कल और कुछ इंसानों को पकड़कर इन सबको आराम से इकट्ठा खाऊंगा। वहीं उस दानव को ये सब करते हुए दूर से खड़ी एक जलपरी भी देख लेती है। ये दानव तो बहुत खतरनाक है और ये इन बेचारे इंसानों को खाने का बोल रहा है। मुझे इन इंसानों को इस दानव की कैद से आजाद करवाना होगा। वहाँ गांव में रात हो चुकी थी और मोहन का बेटा पिंटू अपने पिता के घर वापस न आने पर बहुत परेशान खड़ा था और कुछ सोच रहा था। इतनी रात हो चुकी है, पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं वापस आए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, अगर वो कल तक घर वापस नहीं आए तो मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा। ऐसे अगले दिन पिंटू समंदर के पास बहुत दुखी बैठा था। पिताजी का कल रात से इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए, लगता है मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। पिंटू ये सब बोल ही रहा था कि वहीं सामने समंदर के अंदर से वो जलपरी निकलती है तो वो पिंटू से, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, मुझे पता है तुम्हारे पिता कहाँ हैं। ऐसा कहकर वो जलपरी पिंटू को सारी बात बताती है। अगर हमें तुम्हारे पिता और बाकी सारे इंसानों को बचाना है तो उस सोने के दानव को खत्म करना पड़ेगा और उसे खत्म करने के लिए हमें एक जादुई हथियार की जरूरत पड़ेगी और वो हथियार हमें गोल्डन मछलियों के घर से मिलेगा। वैसे पिंटू और वो जलपरी उन गोल्डन मछलियों के घर से वो हथियार लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे वो जलपरी पिंटू को उन सोने की मछलियों के घर तक ले जाती है। वो जायंट गोल्डन फिश हाउस बहुत ही विशाल होता है, उसे देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य होता है। इससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आगे तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा।
वहीं वो जलपरी अपनी शक्ति इस्तेमाल करती है और पिंटू वहां से गायब हो जाता है। और पिंटू उस फिश हाउस के अंदर पहुंच जाता है तो वहीं सामने वो हथियार हवा में उड़ रहा होता है। पिंटू जाकर उस हथियार को उठा लेता है। वहां वो दानव उन इंसानों को खाने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने उन इंसानों को एक बहुत बड़ी प्लेट में बांध के रखा हुआ था। अब मजा आएगा, इन इंसानों को खाकर बहुत समय से भूखा था। वो दानव ऐसे उस प्लेट से एक इंसान को उठाने वाला था कि पीछे से पिंटू वहां आ जाता है और उस जादुई हथियार से उस दानव पर हमला कर देता है और वो दानव वहीं नष्ट हो जाता है। ऐसे पिंटू उस दानव को हरा देता है और उन सब इंसानों को बचा लेता है। मैजिकल 3 पावरफुल रिंग्स। धरती से बहुत दूर एक जादुई दुनिया थी। उस जादुई दुनिया पर एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर राज करता था। जादूगर के पास जल, अग्नि, वायु की शक्तियां थी। उस जादूगर के पास ये शक्तियां होने से ब्रह्मांड का हर जीव डरता था। जब किसी ग्रह पर कोई शैतानी दानव हमला करता तो वो जादूगर वहां पहुंच जाता और अपनी शक्तियों से उस दानव को मार देता या कैद कर देता। ऐसे बहुत साल गुजर गए। अब वो जादूगर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और बूढ़ा होने से वो अपनी शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वैसे वहीं एक आकाशवाणी हुई, तुम अब बूढ़े और कमजोर हो गए हो, अब इस ब्रह्मांड को एक नए शक्तिशाली जादूगर की जरूरत है। जब वो आकाशवाणी हो रही थी तो वहाँ जादूगर के पास उसका एक वफादार योद्धा आया। जिस आग के दानव को आपने बहुत समय पहले कैद किया था उसे अब किसी जीव ने आजाद कर दिया। अब आप उतने शक्तिशाली नहीं रहे, वो अब आपसे शक्तियाँ छीनने के लिए आएगा, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो योद्धा ये बोल के वहां से गायब हो गया। वो आग का दानव मेरी कैद से अब आजाद हो गया है, वो अब दोबारा मेरी शक्तियां छीनने की कोशिश करेगा। वो ये करे इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे वो जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और उसकी जल, अग्नि, वायु की शक्तियां उस जादूगर के अंदर से निकलकर तीन जादुई अंगूठियों में बदल गईं। एक अंगूठी में जल की शक्ति, दूसरी में अग्नि और तीसरी में वायु की शक्ति थी। जाओ मेरी अंगूठियों, इस पूरे ब्रह्मांड में उसके पास जाओ जिसके दिल में लालच ना हो और तुम्हारी शक्तियों को अच्छे के लिए इस्तेमाल करे। अब जाओ अपने नए मालिक को ढूंढो। वो तीनों जादुई अंगूठियां वहां से उड़ गईं और हवा में गायब हो गईं। धरती पर झांसी के पास में सुंदरपुर नाम की एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में सौरभ नाम का आदमी अपने बूढ़े पिता आलोक कुमार के साथ रहता था। वैसे सौरभ दिन के समय अपने गांव में आम का ठेला लगाता था और आम बेचा करता था, इससे उनके घर का गुजारा होता। ऐसे एक दिन सौरभ का पिता आलोक कुमार गांव में कहीं जा रहा था तो वो चलते चलते वहीं जमीन पर गिर गया। जब आलोक कुमार को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर सौरभ से, आपके पिता को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर इनका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है, आप जल्दी से 5 लाख जमा करवाएं ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। सौरभ के पास पिता के इलाज के लिए पैसे ना होने से वो बहुत दुखी था और कुछ सोचते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा था। मेरे पास तो 5 लाख नहीं है, इतने सारे पैसे मैं अब कहां से लाऊंगा। सौरभ ये सोचते हुए जा रहा था कि उसका पांव एक पत्थर पर लगा और वो आगे एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। जब सौरभ उस गड्ढे में गिरा तो उसने देखा कि वहां पर 3 अंगूठियां उड़ रही हैं और चमक रही हैं। ये देखकर सौरभ बहुत आश्चर्य हुआ और उन अंगूठियों के पास जाने लगा। जैसे ही सौरभ उनके पास पहुंचा तो वो तीनों अंगूठियां मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली अंगूठी बन गई और वो अंगूठी सौरभ की उंगली में आ गई। अंगूठी उंगली में आते ही सौरभ में जल, अग्नि और वायु की शक्तियां आ गईं। ये क्या हुआ अभी? मुझे तो लगता है ये अंगूठियां कोई साधारण अंगूठियां नहीं थी, इनमें कुछ तो था। वो अंगूठी मेरी उंगली में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। बस
वो सौरभ के हाथ घुमाते ही सौरभ हवा को कंट्रोल करने लगा और हवा में उड़ने लगा। सौरभ उड़कर उस गड्ढे से बाहर निकल आया। वहां सामने एक नदी थी। उस नदी को देखकर सौरभ, इस नदी में बहुत सारी मछलियां होंगी, अगर मैं इन्हें अपनी इस अंगूठी की शक्तियों से पकड़कर बेचूं तो इनसे मिले पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकता हूं। जैसे ही सौरभ ने हाथ घुमाकर अपनी जल की शक्ति इस्तेमाल की तो नदी से बहुत सारी मछलियां खुद ही बाहर आने लगी। ऐसे देखते ही देखते उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली और उन्हें बेचा। उन पैसों से सौरभ ने अपने पिता का इलाज करवाया। अब सौरभ ने उस अंगूठी की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। जब भी गांव में कोई मुश्किल में होता, सौरभ अपनी शक्तियों से उनकी मदद करता। सौरभ एक दिन अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके नदी में से मछलियां पकड़ रहा था तो मछलियों के साथ साथ उस नदी में छुपे बहुत सारे सोने के सिक्के भी पानी से बाहर आने लगे। ये देख कर सौरभ बहुत खुश हुआ। बाद में सौरभ ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर गांव में एक बहुत बड़ा घर बनवाया। वो वहीं रहने लगा।